now. Full takedown. Triple takedown. हैकर। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल, तो यहाँ पे आप सभी ने आगे क्लिप तो देख लिया होगा सामने वाले बंदे को किस तरीके से ऑटो हेडशॉट लग रहा था। तो भाई आप भी इसी तरीके से ऑटो हेडशॉट मार सकते हो। बट भाई लोग यहाँ पे बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप पीसी के अंदर खेलते हो, उससे अच्छा मोबाइल के अंदर भी खेल के दिखा दो, क्योंकि आप तभी मानेंगे यही सेंसिटिविटी यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ना पूरा कस्टम एचडी के साथ यहाँ पे आप सभी को दिखाना था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मोबाइल के अंदर खेला है। मोबाइल बहुत ज्यादा नहीं है, 4 GB मतलब कि 4 GB रैम है और 16 मतलब कि 32 GB का मेरा रैम मतलब कि इंटरनल है। तो भाई बस इतना ही है और मेरे पास मतलब कि मोबाइल बहुत हाई लेवल का भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे है ना मैं लो डिवाइस से आप सभी को खेल के दिखा दिया कि इस तरीके से आप लो डिवाइस से भी मार सकते हो, नहीं कि यहाँ पे आपके पास हाई लेवल का मतलब कि आपके पास मोबाइल हो तभी मतलब कि पूरी टीम को ऐसे वाइपआउट कर सकते हो। भाई इसमें से कुछ ऐसा नहीं होता है, अगर आप अच्छे तरीके से गेम प्ले करते हो तो भाई आपके पास कितना भी GB रैम वाला मोबाइल हो तो आप आराम से मार सकते हो। ये तो बहाने होते हैं, जो बहाने बनाने वाले होते हैं कि मेरे पास लो डिवाइस का मोबाइल है, मैं पूरी टीम को वाइप आउट नहीं कर सकता हूँ, मेरे मतलब कि मोबाइल के अंदर ग्लिचेस होती है, अच्छा नेटवर्क नहीं आता है और मोबाइल मतलब कि लेग होता है। तो भाई ये सब आप सभी के बहाने हैं, अगर आपके बेस सेंसिटिव सेटिंग यूज करते हो मेरी तरीके से तो आप भी मतलब कि बिना लेग का आप इसी तरीके से ऑटो हेडशॉट मार सकते हो। तो भाई आपको किस तरीके से ऑटो हेडशॉट मारने के लिए आपको बेस सेंसिटिविटी चाहिए तो मैं आपको है ना दिखाने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको है ना बेस सेंसिटिविटी सेटिंग देखने को मिल जाएगी और आपके मैं पूरा का पूरा हेडशॉट मार के दिखा दूंगा और लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। एंड हाँ भाई, अगर आप स्किप करके देखो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे है ना वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो मैं आपको क्योंकि यहाँ पे है ना आपको मैं जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग बताता हूँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप मतलब कि इस तरीके से ऑटो हेडशॉट मार सकते हो वरना नहीं मार पाओगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मैं पूरा कस्टम एचडी के साथ ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं हाइड भी कर सकता था बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप देखो मेरी कस्टम एचडी के साथ साथ मैं किस तरीके से मारता हूँ। तो दोस्तों है ना सब कुछ दिखाऊं मतलब बता दूंगा कि A to Z मेरी मतलब कि जो भी प्रोसेस रहती है सामने वाले बंदे को मारने के लिए वो सभी की सभी दिखा दूंगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो बनाने में बहुत ही सारी मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कठिन परिस्थिति मतलब कि यूज़ करनी पड़ती है, पंखा लाइट सब कुछ बंद रहता है और हमें मतलब कि ऐसे कमरे में जाके पूरे पसीने से साथ मतलब कि बेस्ट वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसी मतलब कि इस बंदे के लिए भाई थोड़ी सी लाइक तो कर दो, छोटा भाई समझ पे भाई वीडियो को लाइक तो कर दो। एंड हाँ भाई लोग अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले पे सेट कर दो। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले ही बता दो कि वीडियो तो हमारा कब से स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बातें करनी थी ना वो मैंने आप सभी को आगे ही बता दिया। अब देखो बात करेंगे यहाँ पे आपको अगर पहले टिप्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको हेडशॉट मारने के लिए यहाँ पे देखो पहले बंदे को मैंने डाउन किया है जैसे कि पूरा ड्रैग करके। इसके बाद यहाँ पे देखो जिस मतलब कि एनिमी की जो पोजिशन है ना उस तरीके से यहाँ पे मतलब कि ड्रैग किया है। तो दोस्तों है ना आपको देखो यहाँ पे जैसे कि सामने बंदा है वो खड़ा है, तो देखो मैं बैठ के हेडशॉट मारूं इसको क्या बोलते दोस्तों कि इसको है ना सीटअप ग्लूवल हेडशॉट मारना बोलते हैं, सीटअप मतलब कि हेडशॉट बोलते हैं। अगर आपको उसको मतलब कि सीटअप हेडशॉट मारना अगर आपको आता है, अगर सामने वाला बंदा आपको खड़े खड़े हेडशॉट मारने की कोशिश करता है तो आपको क्या करना है दोस्तों उसी टाइम आपको बैठ के हेडशॉट मारना है सीखना पड़ेगा और वो भी आपको ड्रैग हेडशॉट करना पड़ेगा। ड्रैग हेडशॉट करने के लिए यहाँ पे आपको फायर बटन को मतलब कि ज्यादा नहीं घुमाना है, मतलब कि एक नॉर्मली घुमाना है 45 डिग्री तक ही घुमाना है। वो कब से मतलब कि कब मतलब कि होगा तो दोस्तों आपका है ना 45 आपका जो
खोलने के जो फायर बटन है ना उसको आपको 45% रखना पड़ेगा, तभी 45 डिग्री तक घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना 45 डिग्री सबसे बेस्ट होता है। और हमारे जो फायर बटन की साइज है वो भी मैं 45 रखता हूँ, तो दोस्तों है ना आप भी मतलब कि 45 अपनी साइज रख देना। एंड हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसमें समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी डिटेल के साथ एक और वीडियो लेके आऊंगा, बट यहाँ पे आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको है ना बेस हेडशॉट मारने के लिए आपको बेस सेंसिटिविटी भी चाहिए ना, तो दोस्तों है ना आपको बेस तरीके से यहाँ पे आपको रेड डॉट जनरल सेटिंग 2x फॉरेस्ट स्नाइपर स्कोप एंड हमारे जो मतलब कि फ्री लुक होता है उससे बहुत ही बढ़िया मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे ना फ्री लुक हमें जितना ज्यादा बोलेंगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे नहीं तुम्हारा नहीं मेरा, इसीलिए यहाँ पे है ना मैं रखूंगा यहाँ पे आपको 100 फ्री लुक, तो दोस्तों आप भी मतलब कि रख देना फ्री लुक नहीं मेरा या तुम्हारा, समझ रहे हो। उसके बाद रखेंगे यहाँ पे आपको स्नाइपर स्कोप 130, तो दोस्तों यहाँ पे है ना आप भी 130 रख देना, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आपको स्नाइपर स्कोप आपको अच्छी तरीके से चलाना आता है, अगर स्नाइपर आप अच्छी चलाते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 130 रखोगे तो यहाँ पे है ना बंदे का डैमेज तो खतरनाक लगेगा बट हेडशॉट भी आपको आना लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मतलब कि एक और वीडियो है, मतलब कि अभी भी एक वीडियो डाली, उसको देखना कि मैं किस तरह से स्नाइपर स्कोप से मार रहा हूँ, इसको एक बार चेकआउट कर देना, उसके बाद मुझे बताना कि नहीं ये स्नाइपर स्कोप अच्छी तरीके से मारती है। बात करेंगे यहाँ पे आपको 2x एंड फॉरेस्ट के बारे में, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बंदों के अंदर ये डाउट होगा कि यहाँ पे दोनों को दोनों सेंसिटिविटी क्यों एक जैसी रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का है ना ये डाउट है ना मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगर कस्टम एचडी के अंदर अगर आपको देखो कि हमारे जूमएक्स वाला जो बटन होता है वो एक ही होता है, दोस्तों किसी को अगर अलग अलग दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं भाई मेरे लिए अलग दिया है, तो दोस्तों वो मेरे स्पेशली मतलब कि इंस्टा पे डीएम भी कर सकता है कि नहीं मेरे को अलग अलग दिया है, तो उन लोगों को मैं प्यार से समझा दूंगा, बट यहाँ पे सभी को बता दूं कि यहाँ पे एक ही होता है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सेंसिटिविटी भी अलग अलग नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक ही सेंसिटिविटी रखा हूँ। तो दोस्तों आप भी यही सेंसिटिविटी रख देना हेडशॉट मारने के लिए, यहाँ पे सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी है हमारे 160, तो दोस्तों यहाँ पे आप भी 160 ही रख देना। चलिए गाइस अब आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो यार, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड डॉट रखा है 190, तो दोस्तों यहाँ पे आप भी मतलब 190 रखना, क्योंकि यहाँ पे सभी बंदे क्या करते हैं कि हमारा जो रेड डॉट होता है ना वो सभी के सभी बंदे मतलब 200 सेंसिटिविटी ले जाते हैं, फिर क्या होता है कि हम जिस बंदे पे एम करना चाहते हैं उस बंदे पे एम नहीं होता, दूसरे बंदा एम चला जाता है, फिर क्या होता है कि हमें दूसरा बंदे हमें मार के चला जाता है, भाई हम क्या करते हैं भाई डाउन पड़े रहते हैं, भाई रिवाइव करो ऐसे चिल्लाते रहते हैं, तो दोस्तों वो सभी से दूर रखना है। इसलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि रेड डॉट है ना हमें मतलब 190 रखना है, तो दोस्तों है ना आप सभी को मतलब 190 रखना, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज यार 200 सेंसिटिविटी मत ले जाना, 190 ही रखना। चले गए एक और मेन सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे जनरल सेटिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा मैं जो जनरल सेंसिटिविटी होती है दोस्तों वो मतलब कि सभी बंदे क्या करते हैं, वो भी मतलब कि 100 रखते हैं या तो 200 सेंसिटिविटी रखते हैं, भाई वो दोनों ही नहीं रखना है, यहाँ पे आपको रखना है तो यहाँ पे 199 रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने 199 में मोबाइल के अंदर रखता हूँ, तो दोस्तों आप भी मतलब कि 199 रखो, उसके बाद आप देखो अपना बंदे का मूवमेंट, यहाँ पे देखो ये सेंसिटिविटी अगर आपको यूज करनी है तो दोस्तों यहाँ पे है ना आपको मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर यहाँ पे 2 दिन के अंदर सबसे बेस्ट तरीके से खेलना होगा, तभी मतलब कि ये सेंसिटिविटी वर्क करेगी वरना नहीं करेगी। एंड हाँ बोलो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सभी बंदे क्या करते हैं कि मतलब कि वीडियो को पूरा स्किप करके यहाँ पे सबसे लास्ट में आके है ना ये सेंसिटिविटी ले जाते हैं, फिर क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे उनके हेडशॉट नहीं लगते, फिर मुझे कमेंट करके बताते रहते हैं कि हमारे हेडशॉट नहीं लगे, भाई देखो यहाँ पे मेरे A to Z यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बताया है, तो दोस्तों आप भी मतलब कि है ना A to Z डिटेल आपको सुननी पड़ेगी तभी ये सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो भाई अभी तक वीडियो को पूरा मतलब कि स्किप करके अगर देखा है तो भाई फिर से देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी के अंदर ये वीडियो लेके आया हो, बहुत सारी मेहनत लगी इस तरीके से वीडियो बनाने में, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम। एंड हाँ बोलो यहाँ पे मैंने 1000 डायमंड का गिव अवे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को किस तरीके से विन करना है, तो दोस्तों यहाँ पे अपनी UID के साथ यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन भर देना है, क्योंकि अपनी UID के साथ अगर करते हो तो यहाँ पे सीधा डायमंड मिल जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कि 10 बंदे को 100 डायमंड मिलेगी, तो आप क्या कर रहे हो जल्दी से जाओ और यहाँ पे मुझे कमेंट कर दो। तो चलिए भाई लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।